गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। कैसे हैं आप सब? आप सब आई होप ठीक होंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक पोयम पढ़ी थी, आरोह पद्य भाग से हमने पढ़ी थी, कविता के बहाने। और आज हम लेखन से पढ़ने जा रहे हैं, आलेख लेखन के बारे में। लेखन का जो विषय है आज का वो है आलेख लेखन, की आलेख किस प्रकार लिखा जा सकता है, आलेख लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आलेख लिखने के मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, जिसको हमें पूरा करना होता है। तो सबसे पहला है इसका परिभाषा, फिर है इसका दूसरा मुख्य अंग, फिर है लेखन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, फिर चौथा है आलेख और निबंध में अंतर, फिर है पांचवा आलेख और फीचर लेखन में समानता और अंतर, क्योंकि आप लोगों के फीचर लेखन भी है। तो इसी बिंदु में आप लोगों को आलेख और फीचर में क्या अंतर है, क्या समानता है, वो मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा, आलेख लेखन की परिभाषा। किसी एक विषय पर विचार प्रदान छोटी सी संयुक्त गद्य रचना को आलेख कहते हैं। इसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होती है। आलेख क्या है? लेखन की एक गद्य विधा है। गद्य विधा से मतलब जिसमें आप कहानियां, पाठ जो आपके होते हैं वो गद्य की विधा कहलाती है। जिसमें कविता, दोहे, छंद वगैरह हो वो पद्य की विधा कहलाती है। तो ये क्या है? एक गद्य की विधा है, यानी कि एक प्रकार है, एक तरीका है। और जो है ये विचार प्रधान, यानी कि विचारों पर आधारित होती है। यह एक संयुक्त, मतलब इस रचना, संयुक्त रचना को हम क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। इसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जो है संपूर्ण जानकारी होती है। अब है इसके मुख्य अंग। मुख्य अंग में सबसे पहले है इसका भूमिका। भूमिका जो है आलेख की शीर्षक के अनुकूल तथा छोटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? छोटी, और जो है शीर्षक दिया गया है उसके अनुकूल होनी चाहिए। फिर है दूसरा विषय का प्रतिपादन, विषय का क्रमिक विकास। क्रमिक विकास यानी कि जो विषय आप लिख रहे हैं, जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उसका क्रम से विकास होना चाहिए, यानी कि क्रमवार होना चाहिए, उसकी क्रम में जो है मतलब बाध्यता नहीं आनी चाहिए। तारतम्यता और क्रमबद्धता, अंत में तुलनात्मक विश्लेषण करके निष्कर्ष कि जो क्रमिक विकास है उसको जो हम लिख रहे हैं वो क्रमवार होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, यानी कि उसमें जो है कोई किसी प्रकार की प्रवाह में बाधा नहीं आनी चाहिए। और क्रमबद्धता, अंत में तुलनात्मक, अंत जब हम उसका करेंगे तो किसी, जिस विषय से हम लिख रहे हैं, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं तो उसमें तुलनात्मकता करके उसका निष्कर्ष निकालेंगे। फिर है ज्वलंत, आप किस किस पर आलेख लिख सकते हैं? ज्वलंत मुद्दों, यानी कि जो करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे समस्याओं पर, अवसरों पर, चरित्र पर आलेख लिखे जा सकते हैं। अब है आलेख लेखन हेतु महत्वपूर्ण बातें, कुछ बिंदु। आलेख लेखन हेतु महत्वपूर्ण बातें, आलेख लिखने से पहले अध्ययन, शोध कार्य, चिंतन, मनन और विश्लेषण कर लेना चाहिए, यानी कि जिस विषय पर आप आलेख लिखने जा रहे हैं उसके बारे में आप पहले से, उस विषय के बारे में पहले से आप अध्ययन कर लें और शोध कार्य कर लें, चिंतन, मनन और विश्लेषण उसका कर लें कि आपको क्या क्या बातें उसमें सम्मिलित करनी है और किस प्रकार से उसको लिखना है। फिर है आलेख का आकार संक्षिप्त होता है। आलेख क्या है? संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। हम इसे निबंध का संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं। आलेख और निबंध में बस यही मूल अंतर होता है। आलेख और निबंध में मूल अंतर क्या है कि जो है आलेख निबंध का संक्षिप्त रूप होता है, कि आलेख में निजी विचार होते हैं। आलेख जब हम लिखते हैं तो उसमें हम अपने निजी विचारों को भी सम्मिलित करते हैं, जबकि निबंध में ऐसा नहीं होता है।
यस नंबर थ्री है विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े या प्रमाण हेतु उदाहरण कहीं नोट करके रख लें तथा आलेख लिखते समय उनका सही स्थान पर प्रयोग करें। यानी कि जब आप आलेख लिखने के लिए उससे संबंधित आंकड़े या कुछ प्रमाण ढूंढते हैं तो उदाहरण के लिए उनको कहीं पर एक स्थान पर एकत्रित करके रख लें, यानी कि उन्हें एक जगह पर किसी एक पुस्तिका में लिख लें और उसके बाद आलेख लिखते समय सही स्थान पर जहां उनका प्रयोग करना है वहां उनका प्रयोग करें। विचारों एवं तथ्यों का कहीं दोहराव ना हो, जो विचार और तथ्य आप उसमें दे रहे हैं उनका कहीं दोहराव यानी कि पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं लिखे जाने चाहिए। फिर है नंबर फोर वैचारिक और तकनीकी कुशलता युक्त भाषा जिसमें विचारों और तथ्यों की स्पष्टता रहती है, ये विचार श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। यानी कि जो विचार और तकनीकी कुशलता युक्त भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं और विचारों उनमें सब में क्या है एक स्पष्टता होनी चाहिए कि और विचार जो है आप जिस प्रकार से वो आलेख लिख रहे हैं उसमें श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। नंबर पांच है आलेख की भाषा सरल समझ में आ सकने वाली रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। यानी कि जो आलेख आप लिख रहे हैं उसकी भाषा स्पष्ट सरल और समझ में आ सकने वाली होनी चाहिए, यानी कि जो पाठक पढ़ रहा है उसे समझ में आनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए तथा वाक्य छोटे होने चाहिए। नंबर छह है विवेचना या विश्लेषण करते समय विचारों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। जो आलेख आप लिखने जा रहे हैं उसमें आपके स्वयं के विचार होते हैं तो उसमें विवेचना या विश्लेषण करते समय आपके विचारों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अपने विचारों में मतलब प्लस पॉइंट दे रहे हैं और साथ में अपने ही विचार नकारात्मक भी बता रहे हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में क्या हो जाएगा फिर विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। फिर है नंबर सात भ्रामक या संदिग्ध जानकारी नहीं देनी चाहिए। भ्रामक यानी कि लोगों को पाठक को भ्रमित करने वाली जानकारी कभी नहीं देनी चाहिए। जब तक आप उस जानकारी के बारे में खुद मतलब पक्के नहीं है कि यह जानकारी सही है या नहीं तब तक वह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित एवं प्रामाणिक रचना होती है। आलेख जो है गंभीर अध्ययन पर लिखा जाता है। नंबर आठ हास्य या व्यंग्य उत्पन्न करने वाली बात न लिखें। आलेख में हास्य या व्यंग उत्पन्न करने वाली बातों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। नंबर नौ आलेख का समाप्ति वाला अंश निष्कर्ष परक होना चाहिए कि उसका जो आप समाप्ति करने जा रहे हैं तो उसमें निष्कर्ष जो है वो एक अर्थपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे आलेख और फीचर में समानता और अंतर। फीचर भी एक प्रकार की गद्य विधा है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन इसका अंतर हम देख लेते हैं। मुख्य अंतर फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। फीचर भी क्या है, होता तो आलेख है लेकिन वो किसी रोचक विषय पर तथा मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है, जबकि आलेख क्या है गंभीर विषय पर लिखा गया होता है। यह मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है, जबकि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है। फीचर क्या होता है, रोचक विषय पर लिखा गया होता है लेकिन आलेख जो है गंभीर अध्ययन पर लिखी गई एक प्रामाणिक रचना होती है और दोनों के मतलब लेखन मतलब उसे भी हम आलेख की श्रेणी में रख सकते हैं लेकिन वो उसके जो है लिखने का क्या विषय क्या होते हैं रोचक होते हैं। फिर है फीचर विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है। फीचर क्या होता है, विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियां यानी व्यक्ति ने अपनी क्या अनुभूतियां हैं उस पर आधारित विशिष्ट प्रकार का आलेख होता है जिसमें कल्पनाशीलता यानी कि आपकी इमेजिनेशन सृजनात्मकता क्रिएटिविटी कौशल होना चाहिए, यानी कि उसमें कल्पनाशीलता सृजनात्मक कौशल होना चाहिए।
जबकि आलेख में विषय पर तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जानकारी होती है। जबकि आलेख क्या होता है, विचार प्रधान रचना होती है और उसमें क्या है, जब तक उन तथ्यों का उन बातों का विश्लेषण नहीं कर लिया जाता तब तक उसे लिखा नहीं जाता है, उसमें क्या है विचारात्मक जानकारी भी होती है तथा कल्पना का उसमें कोई स्थान नहीं होता। तो आज हमने जाना कि हम आलेख किस प्रकार की विधा है, आलेख किसे कहते हैं और हम आलेख किस प्रकार लिख सकते हैं, आलेख लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आलेख तथा फीचर में क्या अंतर है। तो अगले वीडियो में हम फीचर लेखन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।